हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू लर्न माय ट्यूब चैनल। सो टुडे हियर वी विल डिस्कस द एग्जामिनेशन क्राइटेरिया ऑफ अ रेप विक्टिम। ओके, हाउ वी विल एग्जामाइन द वन रेप विक्टिम। सो आई हैव डिस्कस डेफिनेशन एंड पनिशमेंट ऑफ रेप। देयर आई हैव एक्सप्लेन टू यू कि काइंड ऑफ विदाउट हर कंसेंट, विदाउट हर विल, विथ हर कंसेंट, इन फोर्स ऑफ हर नियर वन, ओके, और इन डिटॉक्सिफिकेशन, और यू कैन से इंटॉक्सिकेशन में अगर कोई कंसेंट लिया गया है, तो देर आर नंबर ऑफ वे बाई विच वी हैव टू डिफाइन द रेप। ओके, इन अर्लियर क्लास आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द पनिशमेंट, विच द एक्सटेंट ऑफ रेप, हाउ द एक्सटेंट ऑफ रेप इज अल्टीमेटली काइंड ऑफ यू कैन से कि उसका जो पनिशमेंट जो क्राइटेरिया होता है वो अलग हो जाता है। तो एक्सटेंट ऑफ रेप डिवेट्स, और यू कैन से द डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ रेप हैव अ डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट एज वेल। सो टुडे हियर आई विल डिस्कस द एग्जामिनेशन क्राइटेरिया, और यू कैन से वे बाई विच वी हैव टू एग्जामिन द रेप विक्टिम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन, टू कन्फर्म द सेक्शुअल एक्टिविटी, टू फाइंड आउट एनी फिजिकल इंजरी साइन और नॉट। ओके, कलेक्ट द प्रिजर्व एविडेंस एंड स्पेसिमेन फॉर लैब एग्जाम थ्रू विक्टिम, देन इफ विक्टिम डाई देन टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, एंड अल्टीमेटली if there is a kind of sexual activity done, or you can say sexual intercourse is done, or unlawful sexual intercourse is done, then the treat the victim for injury and sexual transmitted diseases and psycho damage. Okay, so this is the objective of the our examination of rape victim. Then medical examination of rape victim. The doctor examining a rape victim has a dual responsibility. Firstly, they have to treat the patient and provide the support. Secondly, they have to examine the victim and collect the material evidence to facilitate and aid the justice. So, first of all, you should know कि अगर आप जेपी में प्रैक्टिस करते हो, आप एक जनरल प्रैक्टिशनर हो, ओके, आप अपने एरिया में जनरल प्रैक्टिशनर हो, और सपोज एक रेप विक्टिम आती है इन फ्रंट ऑफ यू और इन योर क्लिनिक, तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट एड देना है। ब्लीडिंग वगैरह नहीं कर रही तो आपको ब्लीडिंग वगैरह स्टॉप करना है, ओके, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वगैरह देकर इंस्टेंट आपको क्या करना है, इमिडिएटली आपको हॉस्पिटल में उसको ड्रॉप करना है, या फिर अल्टीमेटली क्या करना है, उसको सजेस्ट करना है। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, दे हैव टू ट्रीट द पेशेंट एंड प्रोवाइड द सपोर्ट एंड दे हैव टू एग्जामिन। सेकेंडली आपको क्या करना है, उसका एग्जामिनेशन वगैरह करके ओके उसका कलेक्शन वगैरह जो भी कुछ मटेरियल एविडेंस वगैरह जो कलेक्ट करना है, वजानल जो डिस्चार्ज कलेक्ट करना है, या फिर स्पर्म के जो सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करना है, तो वो बाद में हम कलेक्ट करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को सपोर्ट देना जरूरी है। ओके, देन प्रोसीजर देखिए, पुलिस एडवाइज विक्टिम नॉट टू चेंज द क्लोथ, नॉट टू डू बाथ बिफोर द मेडिकल एग्जामिनेशन, दिस इज द प्रोसीजर, शुड नॉट बी कंसिडर्ड इफ एग्जामिन विदाउट ऑथोरिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट ऑफिसर। तो एक पुलिस ऑफिसर को पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम करने के लिए, या फिर रेप विक्टिम का एग्जामिनेशन करने के लिए पर्टिकुलर जो ऑथोरिटी जो आएगी, या फिर जो टीम आएगी, ओके, विक्टिम को ऑब्जर्व करने के लिए, विक्टिम को एग्जामिनेशन करने के लिए, या फिर उसके सर्कमस्टेंशियल जो जहाँ पे उसके रेप डन हुआ रहेगा, अगर वहाँ पे कोई अथॉरिटी वगैरह आते, तो डेफिनेटली इट शुड बी काइंड ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफिसर से ऑलरेडी एक बार वो ऑथराइज होना चाहिए। तो विदाउट अथॉरिटी जो भी कुछ इन्वेस्टिगेशन होगा, दैट इज़ इनवैलिड। तो यू शुड द काइंड ऑफ टीम शुड हैव अथॉरिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट ऑफिसर। कंसर्न ऑफ विक्टिम और गार्जियन इन रिटर्न विद डेट एंड टाइम, इट इज़ अ मस्ट। ओके, तो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से करने से पहले हमें विक्टिम से पूछना पड़ता है कि वी हैव टू एग्जामिन यू, ओके, आपके जेनिटेलिया ऑर्गन्स हमें एग्जामिन करना पड़ेगा, आपके जेनिटेलिया जो भी कुछ वहाँ पे क्लोथ्स हैं उसे हमें एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, ओके, एंड अल्टीमेटली ये कंसेंट लेने के बाद ही हम जो एग्जामिनेशन है कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंसेंट लेने के बिना जो भी कुछ कंटिन्यू प्रोसीजर है वो हम नहीं कर सकते। एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ थर्ड पर्सन फीमेल नर्स, तो अगर एक मेल पर्टिकुलर एग्जामिनेशन करता है एक फीमेल विक्टिम का, तो डेफिनेटली एक फीमेल अटेंडेंट वहाँ पे होनी चाहिए, एक फीमेल नर्स होनी चाहिए, और एक ऐसे एक फीमेल GMP या फिर फीमेल RMP होनी चाहिए। ओके, तो एज पर सेक्शन 53 सब सेक्शन 2 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, फीमेल इज़ टू बी एग्जामिन ओनली बाय द अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फीमेल RMP, ओके, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर।
देन एग्जामिनेशन विदाउट डिले वल्वा टेंडरनेस डिटेक्टेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ये आपको विदाउट डिले एज अर्ली एज ये इनके जो एग्जामिनेशन है आपको करना है और जो भी कुछ सैंपल्स है वो कलेक्ट करना है. ओके तो प्रोसीजर नॉट टू चेंज द क्लोथ, नॉट टू डू बाथ बिफोर द एग्जामिनेशन. ओके शुड नॉट बी कंसर्न इफ एग्जामाइन इज विदाउट द ऑथोरिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग मेडिकल ऑफिसर और मजिस्ट्रेट ऑफिसर. कंसर्न ऑफ विक्टिम इट इज अ मस्ट. ओके एंड इफ मेल डॉक्टर इज परफॉर्मिंग एग्जामिनेशन देन देर शुड अ काइंड ऑफ फीमेल नर्स और अ सुपरविजन ऑफ अ फीमेल RMP. देन स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम में देखिए डेट एंड टाइम ऑफ एलिजेंट ऑफेंस, कब हुआ है, कितने बजे हुआ है, एंड डिटेल ऑफ स्ट्रगल एंड रेजिस्टेंस, कितना उसने फोर्स अप्लाई किया उस पर्टिकुलर अनलॉफुल सेक्शुअल इंटरकोर्स करने के लिए, कितना स्ट्रगल मैंने किया था उस पर्टिकुलर सेक्शुअल इंटरकोर्स को इनहिबिट करने के लिए, फिर प्रिवेंट करने के लिए, पेन हिमोरेजेस एंड एक्सटेंट ऑफ पेनिट्रेशन, कितना उसने अपना जो काइंड ऑफ पेनिसिल कितना उसने पेनिट्रेट किया है, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ पेनिट्रेशन एंड हाउ योर पेन इज गोइंग ऑन. ओके एंड हिमोरेज, कितना ब्लड वगैरह बाहर निकला है. ओके तो दैट इज ऑल यू हैव टू काइंड ऑफ आस्क योर द विक्टिम. ओके द पेन हिमोरेज एंड एक्सटेंट ऑफ द पेनिट्रेशन. देन इंक्वायरी अबाउट एनी वजाइनल और ओवरऑल और रेक्टल कॉन्ट्रैक्ट. ओके तो अलॉन्ग विद दैट वजाइनल जो इंटरकोर्स है वहाँ पे तो पेनिस का पेनिट्रेशन तो होता ही है वजाइना में, बट अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे ओरल इंटरकोर्स होते हैं, रेक्टल इंटरकोर्स होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो यू हैव टू आस्क विद द विक्टिम. ओके एनी डिले इन मेकिंग अ कंप्लेन टू द अथॉरिटी शुड हैव अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. अदर स्टेटमेंट देखिए हु अकंपनी हर, तो उसका भी स्टेटमेंट आपको लेना है जो उसके साथ आएगा. तो डॉक्टर मस्ट रिकॉर्ड अ पर्सन हु ब्रॉट द सर्वाइवर. ओके जिसने विक्टिम को लाया है. अ शॉर्ट फैक्चुअल अकाउंट ऑफ इंसिडेंट, देखिए कैसे आपको लेना है. प्रिलिमिनरी स्टेप ले रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो हैबिट लेना है. ओके हैबिटुअल जो सेक्सुअल एक्टिविटी है कैसी थी उसकी वो आपको लेना है, और ये भी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी कैसी हुई उसको भी लेना है. तो हैबिटुअल सेक्सुअल एक्टिविटी मतलब वो अपने पार्टनर के साथ या फिर हस्बैंड के साथ वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज रहती है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट जो भी ये अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी स्ट्रेंजर ने किया है या फिर काइंड ऑफ किसी काइंड ऑफ किसी दूसरे मैन ने किया है, तो डेफिनेटली हैबिचुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको पूछना है. ओके वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में पूछना है, इन्फेक्शन, देन प्रेगनेंसीज कितनी हुई थी ऑलरेडी, मेंस्ट्रुअल लिटरेसी पूछना है, सर्वाइवल जनरल बिहेवियर, मेंटल स्टेट एंड साइन ऑफ अल्कोहल और ड्रग इन्फ्लुएंस आर नोटेड. ओके आपको देखना है कि काइंड ऑफ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है वो किसी अनकॉन्शियस माइंड में किया गया है या फिर काइंड ऑफ ड्रग वगैरह देकर या फिर अल्कोहल वगैरह देकर किया गया है. ओके दैट यू हैव टू पर्टिकुलर नोट. ओके देन नो वेदर द फीमेल हैज़ चेंज हर क्लोथ और आस बाथ डन और नॉट. ओके वो आपको पूछना है. देन जनरल एग्जामिनेशन देखिए इंक्लूड द साइन ऑफ स्ट्रगल, द मार्क ऑफ वायलेंस आइडेंटिफाई लाइक स्क्रैचेस, बाइट मार्क्स, ओके एंड ब्रूजेस ऑन द फोर आर्म, रिस्ट, फेस, माउथ एंड थ्रोट्स. तो दिस आर द वायलेंस मार्क. ओके तो ड्यूरिंग द डूइंग द सेक्शुअल इंटरकोर्स द फीमेल इज ट्राई टू अवॉइड दैट इंटरकोर्स, और तरीके से ट्राई टू रिफ्यूज दैट पर्टिकुलर इंटरकोर्स. तो डेफिनेटली नंबर ऑफ स्क्रैचेस, नंबर ऑफ बाइट मार्क्स एंड नंबर ऑफ ब्रूजेस सीन ओवर द फोर आर्म्स. ओके द मेल और यू कैन से एक्यूज हु इज पर्टिकुलर काइंड ऑफ परफॉर्मिंग द रेप, डेफिनेटली ही विल काइंड ऑफ अफेक्ट द फेस और ही विल बाइट देयर पर्टिकुलर फेस और काइंड ऑफ द जेनिटेलिया ऑर्गन्स. ओके तो द वायलेंस मार्क आइडेंटिफाई लाइक स्क्रैचेस, बाइट्स एंड ब्रूजेस ऑन द फोर आर्म, रिस्ट, फेस, माउथ एंड थ्रोट्स, चेस्ट एंड लोअर एब्डोमेन, बैक, इनर साइड ऑफ द नीज एंड थाई. दिस इज द इम्पॉर्टेंट कॉमनली. तो दिस इज नथिंग बट इनर साइड ऑफ द नीज एंड थाई. यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एब्रेजन, ब्रूस ये आपको देखने मिलेगा, स्क्रैचेस, बाइट्स मार्क देखने को मिलेगा, डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगा. ओके तो अलॉन्ग विद दैट फोर आर्म, रिस्ट, फेस के ऊपर भी मिलता है. ओके किसिंग वगैरह से भी ये हो सकता है. माउथ एंड थ्रोट अगेन ये आपको एग्जामिन करना होता है. माउथ मीन्स जो भी लिप्स वगैरह है डेफिनेटली वहाँ पे भी एब्रेजन या फिर ब्रूस वगैरह होगा. तो ये आपको वायलेंस मार्क आपको देखना है. ऑल मार्क रिकॉर्ड एंड केयरफुली डिस्क्राइब विद रिगार्ड्स टू देयर अपीरेंस, एक्सटेंट, सिचुएशन एंड प्रोबेबल ड्यूरेशन. तो ये आपको विद द अपीरेंस कैसा दिख रहा है वो. ओके एक्सटेंट कितना डीपर हुआ है, सिचुएशन एंड प्रोबेबल ड्यूरेशन कब हो चुका है वो भी ड्यूरेशन के साथ लिखना है. पेट्रिचे ऑन फेस, पार्शियल एस्फिक्सिया ड्यू टू द फोर्सिबल रेस्ट्रेंट. ओके
देने देखिए अब पेटिचे मतलब क्या होता है कि काइंड ऑफ यू कैन से ब्रूज वहाँ पे विजिबल हो रहा है फेस के ऊपर. स्वेब्स आर टेकिंग ऑफ अ टीथ मार्क्स ऑन द सर्वाइवर्स बॉडी ओके फॉर द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूट सलाइवा. तो अगर किसी वगैरह हुआ है तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा सलाइवा जो होगा एक्यूज का उसके सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए टीथ मार्क्स हम यहाँ पे सर्वाइवर्स बॉडी से कलेक्ट कर रहे हैं. ओके देन इंजरीज में भी स्क्रैचेस ब्रूस नेल मार्क्स बाइट मार्क्स डिस्क्राइब इन फुल लाइक एनी अदर इंजरी. ओके तो ब्रोकन नेल आर नोटेड एंड डेब्रीज अंडर द नेल्स रिमूव फॉर एग्जामिनेशन. तो दिस इज नथिंग बट आवर द जनरल एग्जामिनेशन क्राइटेरिया. आपको ब्रोकन नेल्स नोट करना है और जो भी कुछ पर्टिकुलर डेब्रीज जो अंदर कलेक्ट हुए नेल्स के अंदर उसको भी रिमूव करके आपको एग्जामिन करना है. तो क्या क्या यहाँ पर आपने देखा साइन ऑफ स्ट्रगल यू विल फाइंड ओके वायलेंस मार्क. ये आपको बहुत ही जो सेकेंड पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके आपको क्या क्या रिकॉर्ड करना है अपीयरेंस एक्सटेंट सिचुएशन एंड प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ दिस ऑल साइंस. देन पेटिचर ऑन फेस देन स्वेब्स आर टेकन ऑफ टीथ मार्क्स ऑफ फ्रॉम द सर्वाइवर्स बॉडी फॉर द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूट सलाइवा. ओके देन क्लोथ एग्जामिनेशन इंक्लूड द प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड सेमिनल स्टेन्स टीयर्स एंड मड. ओके then any marks or suspicious stain are preserved for the examination by the chemical examiner or clean sheet of paper but and anything on that it fall it also preserved like a surface jo jahan pe fall hua rahega uske stains semen ke stains ya fir kind of sperm agar jahan pe uske stains agar jab jahan pe bhi rahenge wo sabhi suspicious substance ko aapko collect karna hai. okay button wagera hair wagera ko collect karna hai. foreign hair also you have to preserve. तो फीमेल के जेनिटेलिया ऑर्गन्स जो रहेंगे ओके फीमेल के जो प्यूबिक हेयर है उनको कॉम करके जो फॉरेन हेयर रहेगा आपको उसको प्रिजर्व करना है. इफ़ इट टर्न करस्पॉन्ड इंजरी टू द बॉडी में प्रेजेंट देन लोकार्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज इज दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर काइंड ऑफ मेल के एक्यूज के एंड जो विक्टिम है दोनों के जेनिटेलिया ऑर्गन्स जब रब करेंगे तो डेफिनेटली देर इज ऑलवेज सम ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन टू अदर. ओके द फॉरन हेयर पीस ऑफ क्लोथिंग और ट्राउजर बटन ये सभी क्या हो सकते हैं देर मे काइंड ऑफ ट्रांसफर. ओके और देर मे एक्सचेंज तो वेन टू ऑब्जेक्ट और जो भी कुछ काइंड ऑफ कैसे कंप्रेसिंग इफेक्ट हो रहा है या फिर जो भी कुछ एक रबिंग इफेक्ट हो रहा है फीमेल बॉडी का विथ विक्टिम ओके सॉरी विथ एक्यूज तो डेफिनेटली देर इज अ लोकार्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज. फॉरन हेयर पीस ऑफ क्लोथिंग यू विल फाइंड देयर. ओके जेनेटली एग्जामिनेशन इंक्लूड द एग्जामिनेशन डन बाय द ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट. तो सूनर द एग्जामिनेशन इज मेड द बेटर. तो मेंस्ट्रुएशन शुड नॉट बी कॉज ऑफ फॉर डिले. जेनेटलिया ऑर्गन्स एग्जामाइन फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग ब्रूजेस एंड लैसरेशन जैसे मैंने बताया आपको. मैटेड प्यूबिक हेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सीमेन इज कट ऑफ फॉर द एग्जामिनेशन. मैरिड प्यूबिक हेयर मतलब क्या होता है कि जो भी फीमेल है ओके जो भी फीमेल के जो प्यूबिक हेयर है वहाँ पे अगर स्पर्म या फिर सीमन अगर ड्रॉप हुआ रहेगा तो डेफिनेटली काइंड ऑफ वेट हेयर मिलेगा. तो उससे हम क्या बोले मैटेड प्यूबिक हेयर मिलेगा. तो मैटेड प्यूबिक हेयर को सीजर से कट करके आपको उसको प्रिजर्व करने के लिए रखना है. कॉम प्यूबिक हेयर फॉर नॉन मैचिंग हेयर या फिर जो फॉरेन हेयर फाइंड आउट करने के लिए आपको प्यूबिक हेयर को कॉम करना है. देन ड्राइड सेमिनल एंड ब्लड स्टेन ऑन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड थाइज आर स्क्रैप्ड ऑफ बाय मीन ऑफ क्लीन ब्लड लाइफ फॉर अ एग्जामिनेशन. तो यू हैव टू रिमेंबर ड्राइड सेमिनल एंड ब्लड स्टेन है या फिर सेमिनल ड्राइड स्टेन है वॉट एवर इट इज़ वी हैव टू स्क्रैप इट एंड यू हैव टू काइंड ऑफ सेंड फॉर द एग्जामिनेशन. ओके तो एवरी कॉन्टैक्ट लीव अ ट्रेस जैसे मैंने आपको बताया कहीं भी विक्टिम अगर टच करेगा तो डेफिनेटली ब्रूज मार्क्स एब्रेजन मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा. और विक्टिम जो है सॉरी कहीं भी अगर एक्यूज टच करेगा तो डेफिनेटली विक्टिम के ऊपर वो पर्टिकुलर अफेक्टेड साइट तो रहेगा ही रहेगा. अलॉन्ग विद दैट जैसे आपने देखा भी होगा कि जो एक्यूज जो रहता है ओके एक्यूज क्या करता है पूरे हैंड्स को प्रेशर करता है पूरे हैंड्स को क्या करता है मतलब काइंड ऑफ जो विक्टिम रहेगी वो रिफ्यूज़ करती है. ओके वो ट्राई टू प्रिवेंट दैट पर्टिकुलर इंटरकोर्स बट डेफिनेटली जो एक्यूज होता है वो क्या करता है कि काइंड ऑफ उसके हैंड्स को उसके लेग्स को कंप्रेस करता है या फिर उसको प्रेशर देने की कोशिश करता है. तो डेफिनेटली प्रेशर इफेक्ट मीन्स ब्रूज वगैरह वहाँ पे देखने को मिलेगा. उसके नेल्स ब्रेक हुए रहते हैं नेल्स में बहुत सारे काइंड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स और एक ऐसे बहुत सारे
आपको मटेरियल कलेक्टेड हुए दिखाई देंगे. तो एवरी कॉन्टैक्ट लीव अ ट्रेस मार्क्स ओवर द विक्टिम, ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट विक्टिम भी ऑल्सो क्या करती है, प्रिवेंट करती है या फिर रेफ्यूज करती है. तो उसके भी आप बोल सकते हो कि या यू कैन से कि अ काइंड ऑफ जो पर्टिकुलर जो मतलब जो विक्टिम है, ओके, तो वो काइंड ऑफ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स वो प्रिवेंट करने के लिए क्या करेगी, बोलते हैं ना कि उसको प्रिवेंट करने के लिए जब भी वो कुछ फोर्स लगाएगी तो सडनली उसके मतलब जो एक्सेसिबल जो बॉडी पार्ट्स होंगे उसके भी कुछ इंजरीज वगैरह हो सकते हैं. तो डेफिनेटली हो सकते हैं. तो विक्टिम जहाँ पे उसको टच करेगा उससे भी हो सकता है, और जो सॉरी एक्यूज जहाँ जहाँ उसको टच करेगा तो उस विक्टिम के ऊपर उस पर्टिकुलर साइट पे उसके कुछ ब्रूज लेसरेशन स्क्रैच वगैरह एब्रेशन वगैरह देख सकते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट अगर विक्टिम रिफ्यूज़ करेगी तो उसके अलॉन्ग विद दैट जो बोलते हैं ना कि काइंड ऑफ रिफ्यूजल जो साइन होंगे वो भी देखने को मिलेगा. द हाइमेन एग्जामाइन फॉर रप्चर साइन इफ सर्वाइवर वॉज अ वर्जिन बिफोर द अटैक, ओके. हाइमेन एग्जामाइन फॉर रप्चरिंग साइन इफ सर्वाइवर वॉज अ वर्जन बिफोर द अटैक, ओके. द साइन ऑफ रिसेंट रप्चर, ये देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे, हाइमेन एग्जामाइन फॉर रप्चर साइन इफ सर्वाइवर वॉज अ वर्जन. तो अलग अलग वर्जन से भी काइंड ऑफ रेप हो सकता है, या फिर चिल्ड्रंस है बिलो 12 ईयर ऑफ एज. आपने कितने सारे केसेस देखा होगा, देर इज अ गैंग रेप, कस्टडियल रेप, काइंड ऑफ स्टैचुरी रेप, डेट रेप, स्ट्रैंजर रेप. तो जो भी कुछ रेप है वो हर एक एज में है, ओके. ऑलरेडी जो चिल्ड्रन मतलब ऑलरेडी जिसने चिल्ड्रन को डिलीवर वगैरह किया है, ओके, तो उसके साथ भी रेप वगैरह हो सकता है, एक वर्जिन से भी रेप हो सकता है, चिल्ड्रन से भी रेप हो सकता है. तो साइन ऑफ रिसेंट रप्चर देखिए, रैग्ड टीयर इन द हाइमेन विथ अ लैक ऑफ एपिथेलियल हीनिंग एंड विथ एडिमा एंड हिमोरेजेस. तो आपको देखना है हाइमेन रप्चर हुआ है या नहीं हुआ है. हाइमेन अगर रप्चर होगा तो डेफिनेटली सजेस्ट है कि वर्जिन फीमेल है वो, ओके. वेन जेनिटेलिया इंजरी अप्स एंड द गेट इज ब्रॉड बेस एंड पेनफुल. तो फीमेल की जो बोलते हैं ना लेमेन में कि जो उसकी चाल होगी या फिर जिसका जो गेट पैटर्न होगा वो अलग होता है, उसका पेनफुल की वजह से वो गेट पैटर्न अलग होता है. वजह सिक्रेशन ऑप्टेन बाय इंट्रोड्यूसिंग स्टराइल कॉटन, ये देखिए, स्वैप फॉर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद इन 24 आवर्स. तो वजह सिक्रेशन आपको लेना है इन स्टराइल कॉटन स्वैप, ओके, फॉर प्रेजेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ. वजन सिक्रेशन लेना है स्पर्मेटोजोआ वगैरह को कलेक्ट करने के लिए विद इन 24 आवर. एनी म्यूकोपुरेंट और पुरेंट डिस्चार्ज एग्जामाइन फॉर साइन ऑफ स्टडी. देन फिंगर टेस्ट क्या करना है आपको, फिंगर टेस्ट मतलब क्या होता है, अ डॉक्टर इंसर्टिंग फिंगर्स इन रेप विक्टिम्स वजाइना टू डिटरमाइन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन एंड सो इज कॉल्ड एज अ लैक्सिडिटी ऑफ द वजाइना. तो वजाइना मतलब अभी वर्जिन थी और सेक्शुअल इंटरकोर्स में कभी इंडल्ज नहीं हुई और अ काइंड ऑफ मैन ने उसने अटैक किया, एक्यूज ने अटैक किया और वहाँ पे सेक्शुअल इंटरकोर्स होता है. तो डेफिनेटली उसकी जो हाइमेन मेम्ब्रेन होगी वो रप्चर होगी, उसका टीयरिंग होता है और उसके जो कुछ ट्रेसेस हैं आपको वहाँ पे देखने मिलेगा बाय एग्जामिन विद द फिंगर टेस्ट. तो पर्टिकुलर जो मेडिकल एग्जामिनर है या फिर काइंड ऑफ जो जिस जो पर्टिकुलर फीमेल को जो एग्जामाइन करे डेफिनेटली उसके टू फिंगर्स को क्या करेगा, रेप विक्टिम के वजाइना में डालेगा और वहाँ पे वो फाइंड आउट करेगा कि जो हाइमेन है अगर रप्चर हुआ तो डेफिनेटली उसके ट्रेसेस उस वजाइना में मिलेंगे. उसके लैक्सिडिटी फाइंड आउट करने के लिए वो फिंगर टेस्ट होता है. अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स हु कंडक्ट दिस, अ सर्वाइवर डिग्री ऑफ पेन इज टेलिंग आवर ऑफ हाउ हैबिचुएटेड टू सेक्स शी इज. तो काइंड ऑफ आपको समझ में आ गया रहेगा यहाँ पे क्या लिखा है. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हु कंडक्ट दिस, अ सर्वाइवर्स डिग्री ऑफ पेन इज टेलिंग ऑफ हाउ हैबिचुएटेड टू सेक्स शी इज. तो अगर पेन बहुत ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली सजेस्ट दैट कि वो इतने हैबिचुअल सेक्स में नहीं थी. वजाइना इज नैरो और रूमी. टू एक्सेस वेदर द अनमैरिड गर्ल एंड वुमेन आर हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स द रिजल्ट आर यूज्ड टू क्वेश्चन द विक्टिम्स कैरेक्टर. रेप ऑन वर्जिन, लैसरेशन एंड रप्चर ऑफ हाइमेन आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट इंटरकोर्स में, टीयरिंग मिलती है ऑफ हाइमेन, ओके. मार्जिन शार्प एंड ब्लेड ऑन टच. देन लेबिया माइनोरा, स्वेलन मिलेगा, टेंडन मिलेगा, जैसे टच करोगे बहुत पेन होता है. स्क्रैचेस, ब्रूजेस ऑफ फिंगर्स ऑफ एसिलिटेंस और एक्यूज मिलेगा यहाँ पे. डार्क रेड पर्पल इन 24 आवर, ये कलर मार्क देखने को मिलेगा आपको वजाना या फिर वल्बा पार्ट्स में. देन सराउंडिंग द टिश्यूज आर ऑल्सो गेट स्वेलन एंड टेंडर्ड. 3 to 4 day एजेस ऑफ लेसरेशन कंजेस्टेड एंड स्वेलन एंड हीट इट इट हील इन 1 to 2 week. ओके, तो दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ यू कैन से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक विथ अ काइंड ऑफ, देखिए
विद अ डिफ्लोरेट वुमेन या फिर जो हमारे चिल्ड्रंस हैं। तो अगर वर्जिन में अगर कोई सेक्शुअल इंटरकोर्स हुआ है, अनलॉफुल सेक्शुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो डेफिनेटली लैसरेशन, उसका हेमन रप्चर हुआ रहेगा, टीयरिंग होती है, लिबा माइनोरा बहुत ही स्वेलन हो जाएगा, बहुत ही टेंडरनेस होता है, स्क्रैचेस ब्रूजेस आपको देखने मिलेगा, ओके, बाय फिंगर्स ऑफ एसिलेटेंस, सराउंडेड टिश्यूज दे गट ऑल्सो स्वेलन एंड गेट टेंडर्स, ओके। तो ये सभी गेट बहुत ही ब्रॉड और पेनफुल मिलेगा। तो ये फर्स्ट टाइम जिसके साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स हुआ रहेगा, तो डेफिनेटली ये सभी फीचर्स आपको देखने मिलेगा। रेप ऑन डिफ्लोरेट वुमेन, डिफ्लोरेट वुमेन मतलब ऑलरेडी जिसके इवन विदाउट चाइल्ड बर्थ हाइमन डिस्ट्रॉयड, ओके, वजनल ओरिफाइस डायलेटेड, म्यूकस मेम्ब्रेन थिकेंड एंड रिंकल्ड, ओनली एविडेंस इज सीमेन और स्पर्म्स हुआ। तो जिसने कोई बेबी को डिलीवर किया होगा, जो फीमेल होगी, अगर उसके साथ कोई सेक्शुअल इंटरकोर्स होता है, अनलॉफुल सेक्शुअल इंटरकोर्स होता है, तो डेफिनेटली जितने मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बैक स्लाइड में दिखाया एक पर्टिकुलर वर्जिन फीमेल में, उतना आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे बस इतना मिलेगा कि जो स्पर्मेटोज है, जो वजाइनल सेक्रेशन, जो हम स्वैप जो कलेक्ट कर रहे हैं वजाइनल सेक्रेशन का, वो आप कलेक्ट करके डेफिनेटली यू कैन फाइंड आउट कि इसमें अगर कोई सीमेन के या फिर स्पर्म के सैंपल्स रहेंगे, तो डेफिनेटली सजेस्ट दैट कि सेक्शुअल इंटरकोर्स हुआ है, ओके। तो ये देखिए, लोकल इंजरी, टीयरिंग ऑफ वजाइना, ये सभी यहाँ पे आपको नहीं देखने मिलेगा। लोकल इंजरी मिल सकता है थोड़े बहुत। ओल्डर वुमेन देखिए, सीनाइल एट्रोफी एंड फ्रेबिलिटी, एक्सटेंसिव वजाइनल लेसरेशन एंड पेरिनियल ट्रॉमा, ओल्डर वुमेन अगर रहती है तो इंजरी 3 to 4 days ये आपको देखने मिल सकता है। कॉल्पोस्कोपी, हाउ वी विल आइडेंटिफाई कॉल्पोस्कोपी, ये जो इंस्ट्रूमेंट है कॉल्पोस्कोप, ये इंस्ट्रूमेंट है, और कॉल्पोस्कोपी तो कॉल्पो मतलब क्या होता है, वजाना, तो वजाना को देखने के लिए स्कोपी है। तो ऑप्शनल इन वर्जिन एंड चिल्ड्रंस, तो रेप ऑन चिल्ड्रन देखिए, नो साइन ऑफ जनरल वायलेंस ऑफ और डिफेंस इंजरी, इसी की मैं बात कर रहा, डिफेंस इंजरी की मैं बात कर रहा था, ओके, रिफ्यूजल जो साइंस होते हैं, ये डिफेंस इंजरी जो है, तो यहाँ पे चिल्ड्रंस में आपको कुछ नहीं मिलेगा, चिल्ड्रंस रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे डिफेंस इंजरी आपको नहीं मिलेगा। एज चाइल्ड हैज़ नो आइडिया और इनकेपेबल ऑफ रेजिस्टिंग, हाइमन डीप रहेगा, वजाइना स्मॉल और डिफिकल्ट इन पेनिट्रेशन होगा, एक एक्यूज के लिए, एक एसिडेंट के लिए डिफिकल्ट होगा पेनिट्रेशन में, बट पर्टिकुलरली क्या होगा कि फोर्सफुली पेनिट्रेशन वहाँ पे देखने मिलेगा, और हिमरेजेस, ब्रूजेस, स्क्रैचेस बहुत ही यहाँ पे देखने मिलता है ड्यूरिंग पेनिट्रेशन, पिनाइल कंप्रेसेस द लेबिया एंड कॉसिंग द ब्रूजेस। देन हाइमन टीयर आपको देखने मिलेगा, हाइमन पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल जो रहेंगे वो आपको टीयर देखने मिलेगा, पेरिनियम एंटीरियर एनोलेक्ट्रल कैनाल जो होगा, वजाइनल हर्निएशन आपने देखने मिलेगा, एब्डोमिनल विसरस, काइंड ऑफ वजाइनल हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल विसरस ये आपको देखने मिलेगा। देन इन ग्रेट वायलेंस द ऑर्गन में फोर्सिबली इंट्रोड्यूस कॉसिंग ऑफ रप्चर ऑफ वजाइनल वॉल एंड विसरल इंजरीज। तो रेप ऑन चिल्ड्रन अगर होता है बिलो 12 ईयर ऑफ एज होता है, उनके लिए एक हाई कैटेगरी वाला पनिशमेंट ऑलरेडी अलॉटेड है, गवर्नमेंट ऑलरेडी दिया है, बट डेफिनेटली हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि ये चिल्ड्रंस में हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो जनरल वायलेंस या फिर जो डिफेंस इंजरी आपको देखने नहीं मिलेगा। आई मीन मतलब ये चिल्ड्रंस जो है, दे विल नॉट रिफ्यूज टू दैट सेक्शुअल इंटरकोर्स, ओके। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ जो लेसरेशन है, नंबर ऑफ जो ब्रूजेस हैं, स्क्रैचेस हैं फेस के ऊपर या फिर हैंड्स के ऊपर, ओके, ये सभी आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि फीमेल रिफ्यूज़ ही नहीं करेगी, और रिफ्यूजल साइन या फिर डिफेंस इंजरी आपको देखने नहीं मिलेगा। तो पेनिट्रेशन, डीप पेनिट्रेशन यहाँ पे देखने मिलता है, हाइमन रप्चर देखने मिलेगा, एंटीरियर एंड वजाइनल वॉल जो होगा, पेरिनियम जो होगा, ओके, एंटीरियर एनोलेक्टल जो कैनल होगा, ये सभी में टीयरिंग देखने को मिलता है, वजाइनल हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल विसरा, इसमें क्या होता है, ये सभी में आपको देखने मिलता है। दिस मे रिजल्ट इन द डेथ, तो ये डेथ भी हो सकता है अगर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए, वल्वल एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे काइंड ऑफ लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा आपको एग्जामिन करना है, वजाइनल टीयर कितना हुआ है वो आपको देखना है, अलॉन्ग विद दैट कितना पेन हो रहा है ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग ऑफ द वल्वा और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द वल्वा, दैट यू हैव टू ऑल्सो एग्जामिन। देन कॉरोबरेटिव साइन ऑफ रेप, ये देखिए, प्रेजेंस ऑफ द सेमिनल फ्लूइड, वजाइनल डिस्चार्ज ये आपको देखना है। देन स्ट्रगल एंड फाइंडिंग रिलेटेड टू द टाइम ऑफ असॉल्ट, आपको वुंड देखना है, सेमिनल मटेरियल कितना मिला है, मोटिलिटी कितनी है उस पर्टिकुलर सीमेन की, स्पर्म की स्टडी है या नहीं वो आपको रूल आउट करना है। देन प्रेजेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ, द स्पर्म रिमेन मोटाइल इन वजाइना फॉर अबाउट 6 to 8 hours, ओके, दैट यू टू रिमेंबर, स्पर्म रिमेन नॉन मोटाइल इन वजाइना फॉर अबाउट 24 hours विद ओकेजनल रिपोर्ट 48 to 72 hours, वेरी रेयरली 96 hours, तो नॉर्मली 24 hours तक वो अलाइव रहता है। रिमेन मोटाइल इन यूट्राइन कैविटी फॉर 3 to 5 days, अगर वो मतलब एक्सटेंड हो गया है वजाइना से, अगर यूट्राइन कैविटी में चला गया, तो डेफिनेटली इट विल मोटाइल फॉर 3 to 5 days।
आफ्टर डेथ नॉन मोटाइल फॉर्म आर फाउंड इन द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट फॉर अ वीक और मंथ. ओके टू डेमोस्ट द प्रेजेंस ऑफ द स्पर्म, ये देखिए वजालन कंटेंट आपको एस्पिरेट करना है. ओके ब्लंट एंडेड पिपेट्स आपको लेना है और आपको स्लाइड पे उसको रखना है और अंडर द माइक्रोस्कोप यू हैव टू एग्जामाइन मोटाइल स्पर्मेटोज़ को आपको एग्जामाइन करना है. इफ मोटाइल स्पर्म इज सीन द डेफिनेटली इट इंडिकेट्स द सेक्शुअल इंटरकोर्स हैपेंस विद इन 12 आवर. ओके इफ नॉन मोटाइल स्पर्म इज सीन डेफिनेटली वो इंडिकेट करेगी 12 आवर से ज़्यादा हो चुका है. ओके और एग्जैक्टली जो टाइम है सेक्शुअल इंटरकोर्स का वो पता नहीं चल पा रहा है. आफ्टर 72 हावर्स इंटैक्ट स्पर्मेटोज आर रेयरली फाउंड होते हैं. देन स्पर्म हेड एंड टेल आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये देखिए जो पिक्रो इंडिगो जो कैरामाइन है या फिर जो कार्मीन है वो अगर स्टेन आप यूज़ करोगे ना इस स्लाइड के ऊपर आपने जो स्मीयर बनाया है स्मीयर बनाने में जो स्टेन बनाओगे अगर ये अगर आप एजेंट यूज़ करोगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड इनकी हेड जो होगा वो रेड कलर होगा और टेल जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होंगे. ओके तो ग्रीन एंड रेड आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे तो डेफिनेटली सजेस्ट दैट कि सेक्शुअल इंटरकोर्स हुआ है. तो टू डेमोंस्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ द स्पर्म फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लंट एंडेड पिपेट आपको लेना है और आपको उसको स्लाइड के ऊपर स्मीयर बनाना है. मोटाइल स्पर्म 12 आवर तक रहेगा और 12 आवर अगर नॉन मोटाइल में तो डेफिनेटली वो क्या सजेस्ट करेगी मोर देन 12 आवर हो चुका है सेक्शुअल इंटरकोर्स को और आफ्टर 72 आवर आपको कोई भी स्पर्मेटोज़ वहाँ पे नहीं मिलेगा. देन एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन वजाना डज नॉट मीन द सेक्शुअल इंटरकोर्स हैज नॉट टेकन प्लेस, ऐसा जरूरी नहीं होता है. इन वैसेक्टोमाइज मेल्स जिसके ऑलरेडी वैसेक्टोमी हो चुकी है उनमें डिटेक्शन ऑफ द सेमिनल फ्लूइड रिक्वायर्स अ डेमोंस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेस टेस्ट. ओके आपको देखना है कि प्रोस्टेटिक जो एसिड है ओके ये एसिड कंटेंट उस प्रोस्टेटिक ग्लैंड के थ्रू निकलता है और अगर वैसेक्टोमी हो चुकी है स्पर्म नहीं आएगा तो डेफिनेटली जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सीक्रेशन है वो आपको फाइंड आउट करना है. ओके सेक्शुअल इंटरकोर्स इज हियर मींस की पेनिट्रेशन होना नॉट दैट मींस की स्पर्म गया है या नहीं गया है. तो वैसेक्टोमाइज पेशेंट जो रहेंगे या फिर जो मेल होंगे डेफिनेटली उनके आपको सेमिनल फ्लूइड आपको डिटेक्ट करना है एंड शुड बी क्वालिटेटिव डिस्टिंग्विश फ्रॉम वजाइनल एसिड फॉस्फेटेस ओके बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो वजाइनल एसिड वजाइना में भी एसिड फॉस्फेटेस होता है एंड अल्टीमेटली प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेस दोनों को डिस्टिंग्विश करेगा बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो और प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेस मिलता है तो डेफिनेटली सजेस्ट दैट कि वैसेक्टोमाइज मेल ने सेक्शुअल इंटरकोर्स किया है इसीलिए सीमेन कलेक्ट नहीं हो रहा है. तो क्वांटिटेटिवली नॉर्मल इन लेवल इन वजाना 340 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर. ओके आफ्टर सेक्शुअल इंटरकोर्स इंक्रीजेस अप टू द 3000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर इन अबाउट 2 to 4 आवर. तो ये क्वांटिटेटिव बताया गया है नॉर्मल लेवल इन वजाना ये काइंड ऑफ वजाना लेसिस फॉस्फेटेस का ये लेवल बता रहे हैं. ग्रेजुअली रिटर्न टू नॉर्मल इन अबाउट 12 to 24 आवर. ओके ये देखिए एनी लेवल हायर दैन 340 और यू कैन से दिस वन ओके नॉर्मल लेवल इंडिकेट द सेमिनल फ्लूइड दैट यू टू रिमेंबर क्योंकि सेमिनल फ्लूइड वो भी एसिड है ये भी एसिड है. देन डिटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन डिटेक्शन अप टू द अबाउट 27 आवर आफ्टर द क्वार्टर्स. डिटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन डिटेक्शन अप टू अबाउट 27 आवर आफ्टर क्वार्टर्स. देन स्मेगमा क्या होता है, स्मेगमा ये चीजी सेक्रेशन होता है that present under the prepuce of the penis and may deposit in the vagina due to the rubbing and swabbing of the mouth, vagina and anus for a sperm detection should always perform on a rape victim. Swabbing of mouth, vagina and anus for sperm detection should always be performed on the rape victim. That is nothing but our smegma. Smegma एक क्या चीजी secretion होती है जो कि आपको प्रप्यूस में देखने मिलेगा पेनिस के प्रप्यूस में रहता ही है और ड्यू टू द रबिंग और ड्यू टू द परफॉर्मिंग और ड्यू टू हैविंग अ सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय एसिलस इन अ विक्टिम ओके देर इज़ अ स्मेगमा ट्रांसफर होता है. ओके एंड दैट्स वाई आपको स्वैब हमेशा कलेक्ट करते रहना है. ये देखिए लास्ट स्लाइड क्या क्या स्पेसिमेन आपको कलेक्ट करना है. स्क्रैप स्टेन लेना है ओके स्क्रैप स्टेन लेना है नॉट स्टेन स्टेन लेना है. ब्लड फॉर टाइपिंग अल्कोहल एंड ड्रग लेना है कोई ड्रग वगैरह लिया था कि नहीं लिया था उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लड आप सैंपल लेना है. मैटेड प्यूबिक हेयर लेना है एंड प्लग्ड हेयर सैंपल फ्रॉम हेड एंड प्यूबिक्स ओके. फिंगर नेल क्लिपिंग और स्क्रैपिंग आपको लेना है. वजाइनल एनल और ओरल ये आपको स्वैब लेना है. देन अल्टीमेटली गैस्ट्रिक कंटेंट लाइक बाइक ये देखिए बाइल ओके नॉट बाइक यहाँ पे बाइल आएगा यूरिन और अदर अप्रोप्रिएट स्पेसिमेन फॉर द टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस एंड क्लोथ फॉर स्टेन.
तो दैट इज़ ऑल अबाउट अवर द एग्जामिनेशन ऑफ अ रेप विक्टिम. जैसा यहाँ पे मैंने स्लाइड बनाया था वैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया है. फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल एग्जामिनेशन करना है, उसके बाद क्लोज एग्जामिनेशन करना है, जेनिटेलिया एग्जामिनेशन करना है, ओके. और मैंने कैटेगराइज भी किया कि काइंड ऑफ एग्जामिनेशन डन इन वर्जिन, एग्जामिनेशन डन इन डिफ्लोरेट वुमेन, एग्जामिनेशन डन इन चिल्ड्रन. तो अलग अलग का अलग अलग रहेगा. चिल्ड्रंस में कोई भी आपको रिफ्यूज़ल साइन नहीं मिलेगा, कोई भी वहाँ पे आपको यू कैन से कि जो सेल्फ प्रोटेक्टिंग जो इंजरीज होते हैं ओके वो आपको देखने नहीं मिलेगा. तो डिफेंस इंजरी वहाँ पे देखने नहीं मिलेगा, लेकिन डिफ्लोरेट वुमेन रहेगी या फिर वर्जिन रहेगी तो डेफिनेटली वो रिफ्यूज़ करेगी, उसमें आपको डिफेंस इंजरी मिलेगा. लेकिन चिल्ड्रंस में डिफेंस इंजरी नहीं मिलेगा, डीप पेनिट्रेशन हुआ रहेगा चिल्ड्रंस में. तो ये सभी को फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या समझना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेबोरेटरी जो स्पेसिमेन होते हैं वो हमें देना है किसी भी रेप विक्टिम को फाइंड आउट या फिर एग्जामिन करने के लिए. क्लोथ एग्जामिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज नेसेसरी, कोई स्टेन ब्लड स्टेन है या नहीं ओके. कोई अगर वहाँ पे सीमेन के स्टेन होंगे तो उसको हमें स्क्रैप करके लेना है. देन वल्वल एग्जामिनेशन में आपको देखना है टेंडरनेस है या नहीं, ये सभी गेट पैटर्न देखना है. तो ये सभी के थ्रू हमें पता चलता है कि यस देर इज़ अश्योर ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स इज डन ओके. एंड अल्टीमेटली इससे होता है कि जो क्राइटेरिया होता है हमारा एग्जामिनेशन का वो एक प्रॉपर मैनर में जाता है. तो दैट इज़ ऑल अबाउट अवर एग्जामिनेशन ऑफ अ रेप विक्टिम.